क्या हम सबसे दर्दनाक मैस्टाइटिस या समर मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट भी 100 रुपए में कर सकते हैं? जैसा कि हम जानते हैं, इस दर्दनाक मैस्टाइटिस का सबसे बड़ा कारण है मक्खियां। ये मक्खियां किसी वुंड से पायोजेनिक बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोमैक्स पायोजेनिस, कोरिनोबैक्टर पायोजेनिस को पिकअप करके हमारे स्वस्थ एनिमल के अडर की टीटब्ल्यू में छोड़ देती है। हमारे एनिमल के अडर या मेमोरी ग्लैंड में पहुंचने के बाद ये बैक्टीरिया इस ग्लैंड को इतनी बुरी तरह डैमेज कर देते हैं, ग्लैंड एक दर्दनाक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और इस कारण इस अडर से बहुत ही ज्यादा बदबूदार पीले रंग का डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है और इस दर्द की वजह से हमारा एनिमल ऑफिड हो जाता है, उसको फीवर मिल सकता है और हमारा एनिमल ना तो चल पाता ना ही ढंग से बैठ पाता है। आप इस केस को मात्र 100 रुपए के इंजेक्टर में ट्रीट कर सकते हैं। अविश्वसनीय एंड इम्पॉसिबल। अफेक्टेड क्वार्टर की बार बार फ्लशिंग की जाए ताकि बैक्टीरिया और टॉक्सिन जल्दी जल्दी बाहर निकल जाए। इसके लिए हम कभी कभी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी काम ले सकते हैं। फ्लशिंग के बाद इंट्रामेमोरी इन्फ्यूजन हाईली रिकमेंडेड है। इंट्रामेमोरी इन्फ्यूजन और पेरेंटल एंटीबायोटिक एक जैसे ही होने चाहिए। चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक जैसे DCR, डाइसिलिन के 5 ग्राम या जेंटामाइसिन 4 ml 100 किलो बॉडी वेट पे या दोनों को मिक्स करके भी लगाया जा सकता है विद सूटेबल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। लेकिन यदि हम इन बैक्टीरियाओं की रक्षात्मक कवरिंग या बायोफिल्म को डिजोल्व नहीं करते हैं, हमारा यह ट्रीटमेंट फेल हो सकता है क्योंकि एंटीबायोटिक्स इस बायोफिल्म को पेनिट्रेट नहीं कर पाते जिससे कि बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि पाउडर सेफल को सुबह शाम एक एक से कम से कम 5 दिन दिया जाए जो कि इन बैक्टीरियाओं के सुरक्षा कवच या बायोफिल्म को डिजोल्व कर देता है जिससे कि आपका एंटीबायोटिक बेहतर तरीके से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर पाता है। इन इंजेक्शंस की कीमत क्या है आप जानते हैं? अपने एंटीबायोटिक के साथ सेफ्टिल प्रो यूज करके परिणाम आप खुद देखें। लेकिन यदि अडर में हार्डनेस या फाइब्रोसिस है तो उस कंडीशन में सेफ्टिल प्रो की जगह पाउडर फाइब्रोलाइज सुबह शाम कम से कम 5 दिन यूज करवाएं। इस तरह की दर्दनाक मैस्टाइटिस की रोकथाम के लिए मक्खियों पर कंट्रोल बहुत जरूरी है, सो प्लीज यूज डर्माटोनिक स्प्रे मक्खियों को कंट्रोल करने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है।